हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी। देखिए फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बुनने सीखा था। अब हम इसके आगे बनाएंगे। हम ब्लू कलर के ऊन को अटैच करेंगे। अब तीन चैन देंगे, 1 2 3। अभी इस पीछे वाले ऊन को पकड़कर हम नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह इस चैन को लेकर हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। अभी ये वाली गैप वाली जगह में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस पंखुड़े के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और इसके बाद वाली गैप में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 1 6। फिर पंखुड़ी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली गैप में 6 डबल क्रोशिया, जिस तरह यहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसमें भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बीच वाली जो पंखुड़ी हमारी है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इन सभी में एक एक बनाएंगे। यहाँ बीच वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस गैप में हम 6 डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ बनाई थी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 6 डबल क्रोशिया और यहाँ 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ बनाई थी। पूरे को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह से हम इधर पहले बनाए थे, इधर से 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ भी बनाएंगे। 1 और ये 2। इसके बाद ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया है, इसी तरह ये चलती जाएगी। यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट वाली हमारी डिजाइन चालू हो गई। ये देखिए, ये नेक्स्ट वाली डिजाइन चालू हो गई। इसमें भी हम सेम उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली में 6 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम ठीक इसी तरह अपने पूरे तोरण पट्टी में बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड हम इधर से ही चालू करेंगे। मुंह को अटैच करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 ये 3। ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया है, उसे हम बुन देंगे, 1 और ये 2। चैन को लेकर 3 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। अब फ्रेंड्स, 1 2 3 4, इन चारों को हम एक साथ बुनेंगे। 1 लास्ट वाले घर को हम क्रोशिया में ही रखेंगे, 2 3 और ये 4। ये देखिए, इन सभी को हम एक साथ बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट जैसे हमने बुना था, उस तरह से हम सिंपल डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे। हर डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे। यहाँ कॉर्नर तक हम बुनेंगे। यहाँ कॉर्नर तक बुनेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कॉर्नर पर हम आ गए। अब इसमें हम एक साथ ही 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, जैसे हमने पहले राउंड में बुना था। 1 हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया में ही हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम
सभी डबल क्रोशियों में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जैसे हमने इधर बनाई है और इस तरह बनाते हुए हम यहाँ पर लाएंगे, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ तक हम बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारी ये जो तीन डबल क्रोशिया है फ्रेंड्स, उसके बाद एक दो तीन चार, चार चार डबल क्रोशिया है। तो हम अब यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसके लास्ट फंदे को क्रोशिया में ही रहने देंगे। ये तीसरा और ये चौथा, ये देखिए सभी को एक साथ बंद करेंगे। और ये तीन डबल क्रोशिया जो हमारी चली आ रही है उसे बनाएंगे हम, एक दो और ये तीन। ये देखिए ये सीध वाली तीन डबल क्रोशिया है। इसके बाद फिर हम उसी तरह बनाएंगे चार डबल क्रोशिया को, एक एक दो तीन और ये चार, चारों को हम एक साथ बंद करेंगे और सिंपल फिर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बनाते हुए यहाँ कॉर्नर पर हम आएंगे, कॉर्नर पर एक डबल क्रोशिया में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ, और इस तरह से पूरे तुरन पट्टी में ये वाली डिजाइन इस तरह से बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम व्हाइट कलर के ऊन को अटैच करेंगे। पीछे वाले ऊन को भी पकड़ कर हम चैन बना देंगे, एक और ये दो तीन, तीन चैन लेंगे। ये तीन डबल क्रोशिया जो शुरू से चली आ रही है उसे हम बनाएंगे, ये वाली, फिर तीन चैन लेंगे, एक दो और ये तीन। यहाँ स्टार्टिंग में हम एक गैप कर दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया देंगे, फिर तीन चैन लेंगे, फिर एक दो तीन, तीन गैप कर एक डबल क्रोशिया देंगे, तीन चैन, फिर एक दो डबल क्रोशिया गैप करेंगे, तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चैन, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, पांच डिजाइन हमारी तैयार हुई। एक दो तीन चैन लेंगे, देखिए एक दो गैप करेंगे, यहाँ हमारा सेंटर है। ये देखिए फ्रेंड्स, बीचों बीच यहाँ सेंटर पड़ा है हमारा, एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन लेंगे और उसी डबल क्रोशिया में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए तीन चैन लेंगे, एक दो गैप करेंगे, तीसरे में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह हम जैसे हमने इधर बनाया है सेम उसी तरह से हम यहाँ तक बुनेंगे। एक दो तीन चार पाँच, पांच डिजाइन तैयार हो चुकी है। अब एक गैप करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो स्टार्टिंग से चली आ रही है ये वाली तीन डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, एक दो और ये तीन। ये देखिए फिर एक दो तीन चैन लेंगे जैसे हमने इधर बनाया था, एक गैप करेंगे दूसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ स्टार्टिंग में हम सिर्फ एक गैप करेंगे, बाकी में हम दो दो गैप करेंगे और सेम इस तरह से हम पूरे तोरण पट्टी को अपनी बुन कर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिजाइन हमने बनाई है यहाँ है, इस तरह से हम सभी को बुन के कम्प्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी हम लास्ट तक कम्प्लीट कर चुके हैं। ये देखिए पलटेंगे, तीन चैन लेंगे, फिर से वही तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये चैन हमारी एक डबल क्रोशिया होगी। ये देखिए फिर एक दो तीन चैन लेंगे,
ये फर्स्ट वाली छोड़ के हम सेकेंड से बुनेंगे। सेकेंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए एक दो तीन, फिर तीन चैन, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, फिर से तीन चैन, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, तीन चैन, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, तीन चैन, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, फिर से तीन चैन, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, ये देखिए तीन चैन, और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हमारी पहली राउंड में ये छः थी, सेकेंड राउंड में भी एक दो तीन चार पाँच छः है। तीन चैन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाली में, तीन चैन, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ तक जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम फिर इसे गैप करेंगे और तीन डबल क्रोशिया डायरेक्ट बनाएंगे, एक दो और ये तीन, फिर तीन चैन लेंगे, गैप करेंगे, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया था। ये देखिए गैप करके इस तरह से फ्रेंड्स सेम इसी तरह से बुनते हुए फ्रेंड्स एक दो राउंड हमारी हुई है। इस तरह से हम छः राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये वाली डिज़ाइन हमने छः राउंड बनाई है, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से हमने पूरे तोरण को अपने तैयार किया है। अब आगे हम बुनेंगे, पिंक कलर के ऊन को हम ज्वाइंट करेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। तीन चैन लेंगे, एक दो और ये तीन, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए फिर इस घर को छोड़कर हम नेक्स्ट वाली में पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। पहले डबल क्रोशिया से हम क्रोशिये को अंदर करेंगे और इस फंदे को खींच लेंगे, ये देखिए फिर एक दो तीन चैन लेंगे, नेक्स्ट वाली में पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये पांच डबल क्रोशिया। फिर पहले डबल क्रोशिया से हम इस फंदे को खींच लेंगे, ये देखिए फिर से तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, नेक्स्ट वाली में बुनेंगे, ये देखिए फिर ये बीच वाली में बनाएंगे, पांच डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, नेक्स्ट वाली में बुनेंगे सेम प्रोसेस से जिस तरह हमने इधर बनाई है, इधर भी हम बनाएंगे। और यहाँ जैसे हमने एक घर छोड़ा था इधर भी हम लास्ट वाला घर छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट वाली हम गैप करेंगे और फिर यहाँ तीन डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, ये देखिए फिर नेक्स्ट वाली में बुनना हम चालू करेंगे सेम इसी प्रोसेस से हम इन सभी में बुनकर तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरी तोरण को तैयार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट डिजाइन बुनेंगे। छः चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीसरे घर में हम स्लिप स्टिच देंगे, फिर एक दो चैन इसे हम यहाँ अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, ये देखिए फिर से छः चैन लेंगे, तीन चार पाँच छः,
एक दो तीन, तीसरे चैन में हम स्लिप स्टिच देंगे। ये देखिए एक दो चैन लेंगे, नेक्स्ट वाली में यहाँ ये एक डिजाइन के बाद नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया देंगे और इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पूरे डिजाइन को बनाएंगे इधर में। और जैसे यहाँ पर हमने पार किया है तीन डबल क्रोशिया के बाद, यहाँ हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ बुनेंगे और इस तरह से पूरे में हम बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह ये तोरण हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमने बीच में 16 मोतियाँ लगाई हैं और इधर 14 मोतियाँ लगाई हैं। ये देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तोरण डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।